हाँ जी, मेरा नाम नवजोत सिंह है जी, ते मेरा पिंड भवानीपुर है जी, भवानीपुर का रहना है। मैं 2022 दे विच जी गया सी 24 तरीक नूं तुरकी। हाँ जी, ते मैं अमेरिका जाना चाहुंदा सीगा, ते उस तो बाद उत्थे जाके मेरी मतलब 15 तो 20 दिन बाद मेरी उत्थे फाइल जमा हुई यूरोप ली, ते यूरोप तो अगे असी मैक्सीको जाना सीगा, ते उस तो बाद मेरी रिफ्यूजल आई उस तो 20 दिन बाद। फिर उत्थे मेरे 3-4 महीने जिदा खराब हो गए, ते उस तो बाद एजेंट का मतलब जिदा गल ही इतों इंडिया तो, ते वो कहिंदे वी साडी मतलब गेम हुण जिदा इतों बंद वा ते तुहानू वापस आना पैणा, ते सानू उदों 5 तो 6 महीने हो गए जी उत्थे रहिंदिआं नूं। ते फिर असीं कहा वी असीं हुण वापस नहीं आउणा, ते असीं इत्थों ही गांह कम करवाउणा वा, ते ओह कहिंदा वी मतलब हजे कम चल नहीं रिहा। असीं फिर उत्थे किसी एजेंटे दे नाल गल कीती, ते उहने 15 तो 20 दिन का टाइम मंगिया, उहने उहदे नाल अमेरिका की गल कीती, ते उहने 2 महीने तो 2.5 महीने फिर साडे उत्थे मतलब वी खराब हो गए। ते बाद विच कहिंदा सीगा वी तुहाडा वीजा ओरिजिनल वीजा होगा, अंबेसी दे विचों निकल के आऊगा वीजा, बोर्डिंग इमीग्रेशन तुसीं आप करवाउणी खुद। ते उन्हें जिन्ने पैसे मंगे असीं उन्हूं हाँ कीती भी तेनूं पैसे मतलब दवांगे। ते उहदे तों बाद जदों साडा वीजा आया एयरपोर्ट दे उत्ते, साडी बोर्डिंग इमीग्रेशन सारा कुछ होया क्लीयर, वेटिंग हॉल दे विच बैठे पए, वेटिंग हॉल ते जदों साडा पासपोर्ट चैक कीता गया, ते उदों उहनां ने सानूं कहा वी तुहाडे वीजे दे विच प्रॉब्लम आ जिद्दां, ते पुछण ते वी वीजा कित्थों लवाया, ते अहीं दस्सिया वी उहनां नूं अंबैसी दे विचों मसलक अंबैसी दे विचों वीजा लिया सी, तो कहिंदे नहीं तुहाडा वीजा फेक आ, ते असीं कहा वी इहदे बारे हुण सानूं नहीं पता। बाद विच उत्थों सानूं लै के 2 दिन पुलिस स्टेशन रखिया गया, बाद दे विच सानूं कैंप लै के गए, ते अहीं 5 महीने कैंप दे विच फिर रहे हाँ, ते आई हाँ 25 तरीक नूं हुण घर वापस आए हाँ। कैंप सानू 11 दिन तुजला कैंप दे विच रखिया गया, 11 दिन बाद साडा कैंप चेंज होया, फिर 4.5 महीने ही 5 उत्थे रहे। सानू जदों 2 दिन पुलिस स्टेशन रखिया गया, उत्थे कुछ खाण पीण नूं नहीं उन्हां ने दिता, 2 दिन सानू कुछ नहीं खाण पीण नूं उत्थे दिता गया। उस तों बाद जदों तुजला कैंप दे विच असीं 11 दिन रहे हाँ, ते कैंप दे विच एक कैंप कंटेनर आ, लोहे दे कंटेनर बने पए आ, ते उत्थे 8 बैड जिद्दां लाए गए आ 8 जाने वास्ते, उत्थे 9-9 10-10 जाने वाड़ दिंदे एक कमरे दे विच, ते बाहरों लॉक कर दिंदे आ, विच्चे बाथरूम सारा कुछ, उपर कपड़े लैण नूं कुछ नहीं गा, मतलब जिद्दां हैगे किसे दे गंदे गुंदे उद्दां ही सारा दे दू दिंदे आ जिहड़े पुराने। उहदे तों बाद उत्थे रहण दा करके मेरे जिद मैनूं दिक्कत आई, इनफेक्शन हो गई उत्थे मेरे, ते बाद विच जदों मेरे 2 महीने उत्थे इनफेक्शन मैनूं बहुत ज़्यादा हो गई सीगी, ते डॉक्टर डॉक्टर को भी नहीं लैके जाते, उन्हां नूं दिखाईदा सीगा इनफेक्शन भी नहीं, कहिंदे नहीं। फिर उहदे तों बाद जिद्दां साडा वकील भी सीगा उत्थे होया पिया, वकील जिद्दां पहलों कही जांदा सीगा वी तुहानूं मैं कढ़ा लूंगा, 1 हफ्ते दा 2 वीक दा जिद्दां टाइम लै के उहने 2 महीने साडे उत्थे खराब कीते। उहदे तों बाद असीं फिर फैसला कीता कि अहीं नहीं हुण डिपोर्ट दा असीं लिखा देना वा, फिर डिपोर्ट दा साडे अंबैसी दे नाल गल होई उत्थे इंडियन अंबैसी दे नाल तुर्की दे विच, ते उहनां ने नाल फिर उहनां कोल टाइम मतलब उहनां ने मंगिया वी तुहानूं 1 महीने दे विच विच डिपोर्ट इत्थों कढ दांगे, ते पर जदों गल करनी उह कहिंदे इंक्वायरी गई पई आ, 3 तों 4 इंक्वायरियां होईयां पईयां साडियां, मतलब 15 तों 20 दिन बाद उहने फोन करना, उहने कहना तुहाडी इंक्वायरी नहीं हजे आई इत्थे, तुहाडी इंक्वायरी नहीं आई। जदों इंक्वायरी हुंदी उह सारियां जलंधर पेंडिंग च पईयां सीगियां इंक्वायरियां साडियां, ते बहुत टाइम उत्थे सानूं दिक्कत बहुत सीगी उत्थे रहिण दी। ते फिर बाबा जी दा जिद्दां गल्लबात होई, ते बाबा जी नाल गल्लबात होण तों किस बाद तरह नाल संपर्क विच आए बाबा जी? मेरी जिद्दां फिर घरे फैमिली नाल गल हुंदी सीगी, इन्हां ने फिर जिद्दां पिछों बाद विच गल कीती बाबा जी नाल, ते बाबा जी नाल गल करन तों बाद फिर 10 तों 15 दिन दे विच विच साडा सारा कुछ क्लियर हो गया, ते असीं फिर वापसी कर ली है, किस तरह का लग रहा था?
ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਾਈਏ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਮੁਰਕਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ। ਇੱਥੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਈ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਅਗਾਂਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ।